previous session of reflexive and emphatic pronouns we did, when the action done by the subject turns back upon the subject himself, then the pronoun used is called reflexive pronoun. That is, when the doer of the action and the receiver of the action is one and the same person, reflexive pronoun is used. Examples: I see myself in the mirror. See action है. Action इस verb को करने वाला कौन है? I. मतलब देखने वाला कौन है? I. और देखा किसने? I नहीं, खुद नहीं. तो यहाँ ये जो myself है, ये reflexive pronoun है. Instead of saying I see me, हमें कहना होगा I see myself in the mirror. जब subject और object verb के एक ही व्यक्ति, एक ही एनिमल या एक ही थिंग को रेफर करते हैं, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, रिया हर्ट हरसेल्फ. एक्शन क्या हुआ? हर्ट करने का, चोट पहुंचाने का. किया किसने? रिया ने. चोट लगी किसको? रिया को ही. और रिया क्योंकि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसलिए हरसेल्फ का यूज हुआ. रिया हर्ट हरसेल्फ. रिया ने स्वयं को चोट पहुंचाई. नेक्स्ट सेंटेंस, द वुड कटर कट हिमसेल्फ. एक्शन कौन सा हुआ? कट, कट करने का. कट किसने किया? वुड कटर ने. काटा किसको? खुद ही को, खुद को ही कट लगा लिया. तो यहाँ वुड कटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मेल है, इसलिए हिमसेल्फ का यूज हुआ. और हिमसेल्फ इसका मतलब यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. इन तीनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ myself, यहाँ herself और यहाँ himself, ये सब के सब reflexive pronouns हैं. These example sentences we have already done in our previous session. Next is emphatic pronouns. Emphatic को intensive pronouns भी कह देते हैं. Compound personal pronouns are called emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis, for the sake of emphasis. Emphasis, stress देना, बल देना, जोर देना. और ये emphasize किसको करता है? Emphatic pronoun emphasis किस पे करते हैं? Used to emphasize the noun or pronoun. Noun या pronoun को emphasize करने के लिए जो ये pronouns use होते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस यूज होते हैं. जब इनका काम एम्फेसाइज करना होता है, स्ट्रेस देना होता है, एक्सेंचुएट करना होता है, जोर देना होता है या बल देना होता है, तब हम इनको इम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं. और किस लिए इनको यूज करते हैं? टू एक्सप्लेन द एक्शन डन बाय द नाउन विदाउट एनी वन्स हेल्प. बिना किसी की हेल्प किए ये कुछ काम किया, उसको बताने के लिए भी, उस एक्शन को स्ट्रेस देने के लिए भी emphatic pronouns का use होता है. Next important thing is it cannot be used as a subject. हमने reflexive pronouns में भी किया था कि compound personal pronouns can never be used as subject. Okay? They are used only as objects, objects of the verb. They are placed, the यहाँ emphatic pronouns की बात हो रही है, they are placed immediately after the noun or pronoun they emphasize. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था? दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, क्योंकि एज ऑब्जेक्ट उनको काम करना होता था. लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. सब्जेक्ट तो होंगे ही नहीं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकते वर्ब के. दे आर इमीडिएटली used, placed after the noun or pronoun they emphasize. जिस noun या pronoun को उन्हें emphasize करना है, उनके बिल्कुल बाद में, उनके बराबर ही हम emphatic pronouns को use करते हैं. Examples की help से हम इसको भी समझ लेते हैं. I myself checked all the paid bills. और हमने क्या किया था? Reflexive pronoun meaning देता है स्वयं को. Emphatic pronouns मीनिंग देता है स्वयं ही, खुद ही या अपने आप. या देखिए, आई माई सेल्फ चेकड ऑल द पेड बिल्स. मैंने स्वयं सब के सब पेड बिल्स को चेक किया. एक्शन क्या हुआ? चेक करने का. किसने किया? आई माई सेल्फ. आई को यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया. ये जो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है यहाँ पर, और इसी को स्ट्रेस कि मैंने स्वयं, मैंने खुद सारे पेड बिल्स को चेक किया.
तो यहाँ पर ये स्ट्रेस देने का काम कर रहा है ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, इसलिए यहाँ ये इसको हम इम्फेटिक प्रोनाउन्स कहेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? द पेड बिल्स। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, विच वॉज इन द केस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे थे, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई एंड दिस इज वर्ब चेक्ड एंड द पेड बिल्स आर इज ऑब्जेक्ट। ये इस सेंटेंस का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है। माई सेल्फ ने काम ये किया कि इसने आई को स्ट्रेस दिया, इस बात पर जोर दिया कि मैंने स्वयं पेड बिल्स को चेक किया। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई माई सेल्फ विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सब्जेक्ट इज आई, वर्ब इज, मेन वर्ब इज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट इज प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम। तो सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। यहाँ पर हमारा जो मीनिंग इस सेंटेंस का बनता है, आई माई सेल्फ विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं स्वयं, मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आई को यहाँ पर एम्फेसाइज किया है माई सेल्फ ने, तो माई सेल्फ इज हियर इम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट इज यू, योर सेल्फ कैन राइट दैट आर्टिकल। यू कैन राइट दैट आर्टिकल, तुम वो आर्टिकल लिख सकते हो। यहाँ पर योर सेल्फ का काम है यू प्रोनाउन के ऊपर जोर दे के कहना, जोर देना, तुम खुद आर्टिकल को लिख सकते हो। तो योर सेल्फ यहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू योर सेल्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिसकंडक्ट। इस सेंटेंस में यू योर सेल्फ लगा तो इसका मतलब ये है कि यू कोई सिंगुलर व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ पे यू सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस में यू योर सेल्स लगने से हमें पता चला कि ये यू मोर देन वन पर्सन है। तो यू योर सेल्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिसकंडक्ट, यहाँ पर वर्ब है शैल बी रिस्पॉन्सिबल, यू को एम्फेसाइज किया योर सेल्स ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया, इसलिए ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज विंडो पेन। सब्जेक्ट इज ही, वर्ब इज ब्रोक, विंडो पेन इज ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, वर्ब ब्रोक है और तुमने खुद अपना विंडो पेन तोड़ा है। तो यहाँ हिमसेल्फ का काम है ही को, इस सब्जेक्ट को जो कि प्रोनाउन है उसको एम्फेसाइज करने का काम हिमसेल्फ का है, तो इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउंस है। नेक्स्ट इज दे देमसेल्व्स क्लीन्ड देयर प्रेमिसेस। दे हमें मालूम है कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए देमसेल्व्स का यूज हुआ है। वर्ब इज क्लीन्ड एंड देयर प्रेमिसेस इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, मीन्स काम किसी और ने किया, काम का जो विषय है वो कोई और है, और देमसेल्व्स का काम सिर्फ इतना है यहाँ पर कि दे को एम्फेसाइज किया है कि उन्होंने स्वयं अपने प्रेमिसेस को, परिसर को क्लीन किया। नेक्स्ट सेंटेंस इज सीमा हरसेल्फ टेक्स केयर ऑफ हर किड्स। सीमा स्वयं ही अपने बच्चों की देखभाल करती है। तो टेक केयर, टेक्स केयर, ये एक वर्ब है, सब्जेक्ट सीमा है और किड्स उसके ऑब्जेक्ट हुए। हरसेल्फ ने एम्फेसाइज किया सीमा को, सीमा हरसेल्फ। सीमा इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर एंड फीमेल, दैट्स व्हाई वी यूज हियर हरसेल्फ। नेक्स्ट इज वी आवर सेल्व्स विल क्लीन द प्लेग्राउंड। वी सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है और इसका कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बना आवर सेल्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट के, ये सबके सब, ये जितने भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन्स हैं यहाँ, सबके सब इमिजिएटली आफ्टर दैट नाउन और दैट प्रोनाउन आ रहे हैं जिनको कि इनको एम्फेसाइज करना है। वी आवर सेल्स विल क्लीन द प्ले ग्राउंड, हम खुद ही प्ले ग्राउंड को क्लीन करेंगे। वी विल क्लीन, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट प्ले ग्राउंड हो गया, तो यानी सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। आवर सेल्स का काम है ये बताना कि हम बिना किसी और के हेल्प के, वी आवर सेल्स, हम स्वयं प्ले ग्राउंड को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट इज आई रिसीव दिस लेटर यस्टरडे इटसेल्फ। लुक एट दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट इज आई, रिसीव्ड इज एक्शन वर्ब, द लेटर इज ऑब्जेक्ट। यस्टरडे इट्सेल्फ, ये जो इट्सेल्फ है
ये किसके बाद में आया है? यस्टरडे के बाद में, विच इज अ नाउन. तो इसने किसको एम्फेसाइज किया? आई को? नो, इसने एम्फेसाइज किया यस्टरडे को, यस्टरडे इटसेल्फ. हमने कहा कि ये जिस नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करेगा उसके इमीडिएट बाद में आएगा. तो यहाँ इसका मतलब बनता है आई रिसीव दिस लेटर यस्टरडे इटसेल्फ, मैंने इस लेटर को कल ही रिसीव किया है. तो कल पर जोर दिया गया है, आई पर नहीं. अगर आई पर स्ट्रेस देना होता तो ये बोला जाता आई माई सेल्फ रिसीव दिस लेटर यस्टरडे. हियर द स्ट्रेस इज फॉलिंग अपॉन यस्टरडे, आई रिसीव दिस लेटर यस्टरडे इटसेल्फ. ये कल ही इसको रिसीव किया है, ज्यादा देर नहीं हुई, कल ही इसको रिसीव किया है. तो कल को स्ट्रेस देने के लिए इटसेल्फ इसके साथ में लगा है. वी आवरसेल्फ सॉ द किंग, नेक्स्ट टू सेंटेंसेस में हम देखते हैं ये और क्लियर हो जाएगा हमें. वी आवरसेल्फ सॉ द किंग, हमने खुद राजा को देखा. किसने देखा? हमने खुद. वी आवरसेल्फ, स्ट्रेस किस पे है? इस सब्जेक्ट पे जो कि प्रोनाउन है. वी आवरसेल्फ, हमने खुद राजा को देखा, किसी और की बात नहीं कर रहे, किसी सुनी हुए की या थर्ड किसी और ने देखा, ऐसा नहीं, हमने खुद ने राजा को देखा. तो यहाँ पर ये एम्फेसाइज कर रहा है वी को, तो एम्फेटिक प्रोनाउन है. नेक्स्ट सेंटेंस में सिर्फ इसका पोजिशन चेंज होने से स्ट्रेस चेंज हो गया है. वी सॉ द किंग हिमसेल्फ, हमने स्वयं राजा को देखा. यहाँ पर स्ट्रेस किस पर है? किंग के ऊपर. राजा खुद, राजा स्वयं था, उसको हमने देखा. तो यहाँ पर किंग को एम्फेसाइज किया गया है, तो किंग के बाद हिमसेल्फ लगा है, क्योंकि किंग इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर. तो उसके साथ में ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है, और क्योंकि इसका पर्पज यहाँ पर एम्फेसाइज करना है किंग को, इसलिए ये इम्फेटिक प्रोनाउन है. इस सेंटेंस में वी आवरसेल्फ सॉ द किंग, यहाँ पर स्ट्रेस था हम पर, वी पर, इस सब्जेक्ट पर. यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस था किंग के ऊपर, और यहाँ वी सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस दिया गया था, एम्फेसाइज किया गया था, तो यहाँ वी के साथ में. तो इस तरह से टोन चेंज हो जाती है, उस तरह से मीनिंग चेंज हो जाता है. वी आवरसेल्फ सॉ द किंग, हमने खुद राजा को देखा. दूसरी में हमने स्वयं राजा को देखा, हमने राजा को खुद देखा, राजा या उसके मंत्री या उसके फैमिली मेंबर को नहीं, खुद राजा ही था वो. तो इस बात पर स्ट्रेस देने के लिए यहाँ किंग के बाद में इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हुआ है. तो इस तरीके से हम इन इम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं. और आप ये भी नोटिस करेंगे कि यदि हम यहाँ से, क्योंकि इन इम्फेटिक प्रोनाउंस का काम सिर्फ स्ट्रेस देना होता है, एम्फेसाइज करना होता है, जोर देना होता है, ये असेंशियल नहीं होते सेंटेंस के लिए, मीनिंग के लिए असेंशियल नहीं होते. सपोज करो हम यहाँ पर इस वर्ड को हटा देते हैं, तब भी मीनिंग वही रहता है. आई चेकड ऑल द पेड बिल्स, मैंने सारे पेड बिल्स चेक कर दिए हैं. और अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये और ऐसे मीनिंग आ जाएगा कि मैंने खुद पेड बिल्स चेक किए हैं. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हम यहाँ से हरसेल्फ हटा देते हैं, सीमा टेक्स केयर ऑफ हर किड्स. सेंटेंस का मीनिंग हमें फिर भी क्लियर हो रहा है कि सीमा अपने बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो मीनिंग बन जाता है सीमा खुद अपने बच्चों की देखभाल करती है. तो ये डिफरेंस इसमें आ जाता है. इससे हमें समझ में आता है कि इम्फेटिक प्रोनाउंस का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को पर स्ट्रेस देना, और जहाँ पर देना है वो उसके साथ में लगता है. रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस को एक बार कंपैरिजन करके हम समझ लेते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली इन वर्ड्स को देखकर हम पता नहीं लगा सकते. ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस है, इंडिविजुअली वी कॉन्ट टेल दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड दिस इज इम्फेटिक प्रोनाउंस. वी कैन ओनली जज बाय द प्लेसमेंट, बाय द पोजिशन ऑफ दिस कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इन इज सेंटेंस. ओके, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? दैट दे कांट बी रिमूव, दे आर इंडिस्पेंसिबल. ये असेंशियल होते हैं किसी सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग को समझने के लिए. वेयर एज इम्फेटिक प्रोनाउन्स कैन बी रिमूव, दे आर डिस्पेंसिबल, दे आर नॉट असेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस. एग्जाम्पल इज द वुड कटर कट हिमसेल्फ. सपोज हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, द वुड कटर कट वाइल कटिंग द ट्रीज, तो मीनिंग बनता है वुड कटर ने पेड़ों को काटते समय काट दिया या काट लिया.
तो मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग यहाँ पर क्लियर नहीं होता है. कंप्लीट मीनिंग यहाँ तब क्लियर होता है जब हम हिमसेल्फ के साथ यहाँ इसको पढ़ते हैं. द वुड कटर कट हिमसेल्फ, खुद को ही कट कर लिया पेड़ काटते समय. और इस सेंटेंस में यदि हम पढ़ें द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज, द मीनिंग इज क्लियर. वी हैव द कंप्लीट मीनिंग. द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज, वुड कटर ने सभी पेड़ों को काट लिया, काट दिया. और यदि इसके साथ पढ़ें तो ये समझ में आता है कि वुड कटर ने खुद ही विदाउट एनीबडीज हेल्प कट ऑल द ट्रीज, स्वयं ही सब पेड़ों को काट दिया. तो यहाँ हिमसेल्फ उतना असेंशियल नहीं है मीनिंग को समझने के लिए जितना असेंशियल हिमसेल्फ इस सेंटेंस में है. तो यहाँ हिमसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड हियर हिमसेल्फ इज इम्फेटिक प्रोनाउन. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मोनिका प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्जाम्स, मोनिका ने स्वयं को एग्जाम्स के लिए तैयार किया. पहले भी हमने किया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीनिंग देगा स्वयं को, इम्फेटिक प्रोनाउन मीनिंग देगा स्वयं ही. मोनिका प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्जाम, मोनिका प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, मोनिका ने एग्जाम के लिए तैयार किया. यहाँ पर हमें कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए वी नीड दिस प्रोनाउन, दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज रिक्वायर्ड. मोनिका प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, अगर यहाँ हरसेल्फ को हम हटा देते हैं तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि एग्जाम किसके हैं, मोनिका ने किसको एग्जाम्स के लिए तैयार किया. व्हेन वी ऐड दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देन वी अंडरस्टैंड दैट एग्जाम मोनिका का है और उसने खुद को ही एग्जाम के लिए तैयार किया है. इन दिस सेंटेंस हियर मोनिका हरसेल्फ प्रिपेयर्ड ऑल द फूड फॉर द गेस्ट. इफ वी रिमूव दिस हरसेल्फ फ्रॉम दिस पोजिशन द आंसर, द सेंटेंस का मीनिंग रहेगा मोनिका प्रिपेयर्ड ऑल द फूड फॉर द गेस्ट, मोनिका ने गेस्ट के लिए सारा फूड तैयार किया. तो मीनिंग हमें समझ में आता है, लेकिन अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो मोनिका ने स्वयं ही खाना पूरा तैयार किया, ये इसका अर्थ बन जाता है. नेक्स्ट इज द बॉय क्लीन्ड देमसेल्व्स आफ्टर वर्किंग इन द प्लेग्राउंड, कि प्लेग्राउंड में काम करने के बाद बॉयज क्लीन्ड देमसेल्व्स, बच्चों ने, लड़कों ने स्वयं को साफ किया. अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो द बॉयज क्लीन्ड आफ्टर वर्किंग इन द प्लेग्राउंड, यहाँ समझ में नहीं आता कि प्लेग्राउंड में काम करने के बाद में बॉयज ने किसको क्लीन किया. सो वी नीड दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग हियर दैट द बॉयज क्लीन देमसेल्व्स, खुद को ही उन्होंने क्लीन किया प्लेग्राउंड में काम करने के बाद में. एंड इन दिस सेंटेंस द बॉयज क्लीन द प्लेग्राउंड, द मीनिंग इज कम्प्लीट, विदाउट देमसेल्व्स भी कम्प्लीट होता है. लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस यहाँ पर देमसेल्व्स लगा दिया कि लड़कों ने खुद ही प्लेग्राउंड को क्लीन किया, किसी और की हेल्प नहीं ली. तो यहाँ द बॉयज प्रोनाउन को देमसेल्व्स इम्फेटिक प्रोनाउन ने एम्फेसाइज किया है. हियर वी हैव ऑलरेडी डन दिस कम्प्लीट सेंटेंस. आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, आई देखा किसने, आई ने, किसको देखा, खुद को ही. तो माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये एसेंशियल भी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, मीनिंग समझने के लिए. आई सॉ इन द मिरर, समझ में नहीं आता कि मैंने क्या देखा मिरर में. व्हेन वी यूज दिस प्रोनाउन हियर आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को मिरर में देखा. तो दोनों ही बातें क्लियर होती हैं कि माई सेल्फ, ये जितने भी ये सेंटेंस हमने किए हैं यहाँ एक्शन करने वाला और एक्शन को रिसीव करने वाला सेम ही है और एसेंशियल है ये प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीनिंग को समझने के लिए ज़रूरी है. इस सेंटेंस में आई माई सेल्फ सा यू ब्रेकिंग द ग्लास, वर्ब सेम है, यहाँ भी सा है, यहाँ भी सा है, यहाँ भी माई सेल्फ है, यहाँ भी माई सेल्फ है, लेकिन आई सॉ माई सेल्फ, एक्शन करने वाला रिसीव करने वाला सेम है और मीनिंग को समझने के लिए माई सेल्फ ज़रूरी है. तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. एंड इन दिस सेंटेंस आई सॉ यू ब्रेकिंग द ग्लास, मैंने आपको ग्लास तोड़ते हुए देखा था, ये मीनिंग बनता है. जब हम माई सेल्फ ऐड कर देते हैं तो बन जाता है मैंने खुद देखा था आपको ग्लास तोड़ते हुए. तो ये टोन में डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि मैंने खुद ये काम किया, मैंने खुद देखा. नेक्स्ट इज सीमा ब्रॉट हर सेल्फ ब्यूटीफुल ड्रेस, सीमा अपने लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस लाई. अगर हम इसको नहीं देखते हैं सीमा बॉट ए ब्यूटिफुल ड्रेस, वी डोंट अंडरस्टैंड फॉर होम द ड्रेस हैज़ बीन बॉट. लेकिन जब हम इसको लगा देते हैं तो हमें पता चलता है कि सीमा ने खुद के लिए ड्रेस खरीदी. सीमा ने खरीदी, किसके लिए खरीदी,
खुद के लिए, तो ये हर सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हियर सीमा हर सेल्फ टेक्स केयर ऑफ हर किड्स, सीमा अपने बच्चों की खुद देखभाल करती है, सीमा खुद देखभाल करती है, तो हर सेल्फ यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि हर सेल्फ एम्फेसाइज देने करने के लिए यहाँ यूज हुआ है। द नेक्स्ट इज द डॉग हर्ट इट सेल्फ, हर्ट डॉग ने किया, खुद को किया, यानी कि दोनों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम ही है और मीनिंग को समझने के लिए भी इट सेल्फ का होना ज़रूरी है। द डॉग हर्ट, समझ नहीं आता कि किसने हर्ट किया, इट सेल्फ को लगाते ही पता चल जाता है कि डॉग ने खुद को चोट पहुंचाई, तो इट सेल्फ यहाँ एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यहाँ इस सेंटेंस में इट सेल्फ का यूज़ हुआ है इस यस्टरडे वर्ड पर जो कि एक नाउन है, इस पर स्ट्रेस देने के लिए। आई रिसीव द लेटर यस्टरडे इट सेल्फ, मैंने कल ही इस लेटर को रिसीव किया है, तो यहाँ स्ट्रेस देने का काम किया है इट सेल्फ ने, तो इसलिए यहाँ ये इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। आई होप नाउ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन्स इज क्लियर टू यू एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी यूज दीज प्रोनाउन्स। सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।